समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नह कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः ओम इमाम इंद्र सुस्तुतिं जुषस्व प्रसुमामिव उत प्रवर्धया मतिम् उत प्रवर्धया मतिम् ओम यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिरह तवे तत्सत्यमंगिरह यस्य कारुण्यलेशेन मूको वागीशायते आनन्दरूपमेवैकं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे जगदीश्वरं। आर्य समाज के संरक्षक सम्मान्य श्री सत्यानंद जी आर्य, हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री नंद किशोर जी गर्ग, आर्य समाज के प्रधान श्री राजीव जी आर्य, महामंत्री श्री जितेंद्र जी बनाती, श्री अशोक जी मेहतानी, श्री अरविंद जी नागपाल, आर्य समाज के दूसरे पदाधिकारी जन और प्रतिष्ठित सदस्य, सम्मान श्री संजय जी गुप्त, सम्मान श्री वामदेव जी भारद्वाज, दूसरे आर्य समाजों से पधारे हुए वहाँ के आदरणीय पदाधिकारी जन, विशिष्ट महानुभाव पंडित सत्यपाल जी मधुर और विचारशील सज्जनों, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो ये मानते हैं कि ये संसार, ये जीवन दुखों से, परेशानियों से, संकटों से भरा हुआ है। दूसरे वो हैं जो ये कहते हैं कि ठीक है, संसार में, जीवन में संकट हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, संघर्ष हैं, तो ठीक है, उनको एक चैलेंज की तरह लीजिए, एक चुनौती की तरह, और उनका सामना कीजिए, उनका प्रतिकार कीजिए। तीसरे वो लोग भी हैं जो जीवन को न चुनौती की तरह लेते हैं और जीवन का जो भी कुछ, जैसा भी ढर्रा है, उस पर सामान्य रूप से चलते रहते हैं और सहज जीवन जीते रहते हैं। लेकिन इस पूरे मानव समुदाय में दो वर्ग और थोड़ी संख्या में प्रकट होते हैं। उनमें से एक वो हैं जो इस संसार के, जीवन के, समाज के संकटों को, परेशानियों को, कष्टों को कम करने के लिए और इस दुनिया को और कुछ बेहतर बनाने के लिए परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं। थोड़ी संख्या में वो होते हैं। सामान्य आदमी उनका अनुगमन करता है और उनके किए हुए प्रयासों से लाभ उठाता है। दूसरा वर्ग भी थोड़ी संख्या में होता है, लेकिन वो संसार के, दुनिया के, जीवन के, समाज के संकटों को, परेशानियों को बढ़ाने का काम करता है और वो वर्ग भी कम शक्तिशाली नहीं होता। प्रायः उस वर्ग के लोग सत्ता के शिखर पर बैठे हुए पाए जाते हैं। सत्ता के शिखर पर वो इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि वो सत्ता के संघर्ष में शामिल होते हैं। और
अंदर से हीन भावना से भरे हुए, बाहर से महत्व पाए हुए और महत्व पाने की बड़प्पन की खोज में लगे हुए और उसके लिए कृत्रिम उपायों को अपनाने की कोशिश करते हुए। एक वर्ग दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा होता है और उसके लिए गुमनाम रह करके भी जीवन समर्पित कर देता है। अगर उसे नाम या यश मिल जाता है तो मिल जाए, उसकी उसको परवाह नहीं होती। दूसरे लोग वो हैं जो काम तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के, समाज के संकट बढ़ाने का करते रहते हैं, लेकिन उनका दिखावा यह होता है कि वो संकटों के समाधान के लिए अवतरित हुए हैं, इसलिए शक्ति उन्हें सौंप दो, सत्ता उन्हें दे दो। हिटलर ने जर्मनी को जितना संकट में डाला, जितना परेशानियों में डाला और जितने वर्ष पीछे कर दिया, लेकिन उसका नारा यही था कि मैं जर्मनी को सारे संकटों से मुक्त कर दूंगा और मेरे पीछे आओ, मेरा साथ दो। बीमार महत्वाकांक्षा, बीमार मन के लोग ये चाह रखकर निकलते हैं अभियान पर अपने कि इस दुनिया को मुट्ठी में कर लो, सारी दुनिया हमारी जेब में हो जाए, हमारी मुट्ठी में हो जाए, हमारे शासन में हो जाए, हमारे नियंत्रण में हो जाए। वो सब तरफ अपना वर्चस्व चाहते हैं और उसके लिए सारी कोशिश करते हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि अपनी हस्ती को, अपनी अस्मिता को, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और विस्तार देने के लिए, यूं तो हर एक वो सत्ता काम करती है जो अपनी सत्ता को महसूस करती है। मैंने आपसे कल कहा था कि पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं उनको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक वो जो अपनी सत्ता को, यानी अपने होने को, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी हस्ती को, और संस्कृत में कहें तो अपनी अस्ति को, अपने होने को महसूस करते हैं हम और आप और सब प्राणी। दूसरे वो हैं जो हस्ती तो रखते हैं, अस्ति है, अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है उनकी, पर उन्हें अपने एग्जिस्टेंस का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसको अपने होने का पता नहीं, इस माइक को पता नहीं, इस चौकी को पता नहीं, इस मकान को पता नहीं, पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, किसी को पता नहीं। ये जड़ पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ उनके लिए हैं, बेजान चीजें, ज्ञान रहित चीजें उनके लिए हैं जो ज्ञान रखती हैं, वो उनका उपभोग करते हैं और उपयोग करते हैं और उनसे सुख उठाते हैं। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने प्रत्येक पदार्थ की रचना और इस पूरे संसार की रचना सब चेतन, ज्ञान रहित, ज्ञान सहित सत्ताओं के सुख और आनंद के लिए की है। और वो पदार्थ इतने पर्याप्त हैं कि इस पृथ्वी पर इससे भी 10 गुनी आबादी हो प्राणियों की, तब भी उन सब की आवश्यकताएं और सुविधाएं और कुछ लोगों की विलासिताएं बड़े आराम से पूरी हो सकती हैं। लेकिन संकट तब उत्पन्न होता है जब कुछ थोड़े से लोग धरती के सारे संसाधनों पर और सब जीवित सत्ताओं पर अपना ही नियंत्रण रखने की विकृत लालसा से भर जाते हैं। इसलिए किसी विचारक ने कहा था कि इस धरती पर जितने साधन हैं उनके द्वारा इस पृथ्वी पर अभी जितनी आबादी है, मनुष्यों की ही नहीं, सब प्राणियों की, उन सब की सुविधाएं, जीवन की आवश्यकताएं भरपूर पूरी हो सकती हैं, लेकिन एक आदमी की भी विकृत लालसाओं को पूरा करने में ऐसी सैकड़ों धरतियां नाकाम रहेंगी। दुर्भाग्य से आज मनुष्य की इसी उपभोगवादी, लालसावादी विकृति को, प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपके भारतीय मनीषियों ने जो समाज व्यवस्था दी है उसमें संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण को लेकर कोई भी संकट उपस्थित नहीं हो सकता। लेकिन पृथ्वी पर 70 साल तक 2 राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर दुनिया बटी रही और आपस में निरंतर युद्ध चलता रहा। वो 2 धाराएं थी, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की। कैपिटलिज्म का पुरोधा अमेरिका और कम्युनिज्म का नायक सोवियत संघ। उन दोनों में 70 साल तक निरंतर संघर्ष चलता रहा और धरती के बाकी देश किसी एक गुट के साथ
जुड़ने के लिए मजबूर थे, जो कम्युनिस्ट नहीं थे, ये कैपिटलिस्ट नहीं थे, जैसे भी थे अपनी अर्थव्यवस्था जैसी भी चला रहे थे टूटी फूटी, लेकिन किसी एक धड़े में उनको शामिल होना होता था। भारत गुट निरपेक्ष का नारा जरूर देता था, लेकिन दुनिया जानती है कि वो सोवियत संघ के साथ रहा और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद धीरे 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 वो अमेरिका के खेमे में आता गया। अब भी स्थितियां कोई बहुत नहीं बदली हैं, और जब तक आप संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की एक व्यवस्था, जो कि वेदोक्त है, आपके ऋषियों के द्वारा कही हुई है, उसकी आप एक ठीक व्यवस्था नहीं बनाते, तब तक संसाधनों के वितरण को लेकर ऐसा ही होता रहेगा और धरती की अधिकांश आबादी भूख और यातनाओं से संतरस्त रहेगी। उसका समाधान इस तरह संभव नहीं है जिस तरह करने की कोशिशें की जा रही हैं। ध्यान दीजिए, हमारे जो भी संकट होते हैं उनके कुछ अलग अलग वर्ग हैं। एक हमारा व्यक्तिगत संकट होता है कि हमारे बिजनेस में कुछ अचानक कुछ घाटा आ गया, वो हमारा निजी है, या हम बीमार पड़ गए, या हमारे परिवार का कोई प्रिय व्यक्ति बीमार पड़ गया, जिसके लिए चिंता भी मन में होती है, पैसा भी खर्च होता है, मन बहुत परेशान हो जाता है, वो एक पारिवारिक संकट आ जाता है। और फिर जिस राष्ट्र के, जिस देश के हम अंग हैं, उसमें जो सीमा से बाहर संकट आने की संभावना रहती है, और उस राष्ट्र के अंदर अंदर जो संकटकारी परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं, वो संकट, फिर उनसे भी बड़े संकट होते हैं, परेशानियां और कष्ट होते हैं, जो पूरी मनुष्यता के समान होते हैं। जैसे अगर वातावरण बिगड़ रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, जलवायु दूषित हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और उसके खतरे मनुष्यता के सामने हैं, वो अकेले भारत का संकट तो नहीं है, उसमें सारी मानवता समान रूप से उस संकट से प्रभावित हो रही है और होगी। अगर कोई ऐसा वायरस सारी पृथ्वी पर फैल जाए जिससे सब लोग बीमार पड़ने लगे, तो वो मानवता का सामूहिक संकट होगा। बीमारियां राष्ट्र की सीमाओं को नहीं मानती, वो एक जगह से दूसरी जगह संक्रमित होती हैं। बीमारियों से लड़ना, उनके उपाय खोजना, उनके इलाज खोजना पूरी मानवता का सामूहिक संकट होता है, और उसके उपाय खोजे जाते हैं। लेकिन जो राष्ट्र अपने राष्ट्रीय संकटों को और व्यक्तिगत संकटों को अलग अलग करके देखने लगते हैं, जिस राष्ट्र का जन समुदाय पढ़ा लिखा समृद्धिशाली वर्ग राष्ट्रीय संकटों को अपना निजी संकट नहीं मानता, और वो ये सोचता है कि ये तो इसका समाधान सरकार करेगी, नेता करेंगे, कोई सामाजिक संगठन करेगा, और अपना इन्वॉल्वमेंट भावनात्मक रूप से या सक्रिय रूप से किसी भी तरह से महसूस नहीं करता, उस राष्ट्र के संकट बढ़ते जाते हैं, और वहां पर संकट बढ़ते जाते हैं और नए नए क्रिएट होते जाते हैं, आते जाते हैं, जहां पर संकटों के लिए पहले से सावधान नहीं रहा जाता। अगर आपके शरीर में बुखार हो जाता है, तो आपका वो शारीरिक संकट, या तो आपका पिछले से जो असावधानी का जीवन क्रम चल रहा है उसकी वजह से आया है, और अगर आप पूरी तरह सावधान थे, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते थे और सब कुछ ठीक ठीक, स्टरलाइजेशन, सफाई वगैरह सब ठीक ठीक रखते थे, फिर भी अगर आ गया तो आप इसे संयोग कह सकते हैं, भाग्य कह सकते हैं, लेकिन आ गया तो आ गया, किसी भी तरह आया, फिर उसका प्रतिकार करने के लिए एक तो आपकी नैसर्गिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मान लीजिए कोई वायरस आपके शरीर में घुस गया है, मच्छर ने घुसा दिया, कैसे भी चला गया, तो आपके रक्त के सारे अणु, श्वेताणु, रक्ताणु सब उससे युद्ध करने लगते हैं। उस लड़ाई का परिणाम होता है कि शरीर में बुखार झलकता है, तो शरीर की आंतरिक प्रक्रिया खुद उस संकट के सामने लड़ रही है, और उस एक वायरस से असंख्य आपके रक्ताणु युद्ध जारी रखे हुए हैं।
आप उसको सहयोग देते हैं बाहर से कि वो रक्ताणु शक्तिशाली हो, शक्तिशाली बने रहें, आपकी इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कमजोर हो गई थी और उस कमजोरी के क्षणों में ही उस वायरस ने आक्रमण किया था, नहीं तो असंख्य बैक्टीरिया वायरस वातावरण में घूमते रहते हैं और आप आराम से विचरण करते हैं और स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर की रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी है, जो इम्यूनिटी है, वो जब तक शक्तिशाली है तब तक आप उस बीमारी के संकट से सुरक्षित हैं। जैसे ही वो इम्यूनिटी कमजोर हुई, आपके खान पान या आपके शरीर की आंतरिक जो व्यवस्था है, जो समन्वय है, जो हार्मनी है, उसमें जहां भी कुछ गड़बड़ हुई, जैसे आप भोजन करते हैं तो पेट तक पहुंचता है, पेट उस भोजन को अपने तक नहीं रखता, शरीर के सब अंग प्रत्यंगों तक वो भोजन पहुंचा दिया जाता है। न्यायपूर्ण व्यवस्था शरीर के सब अंगों में जब तक समन्वय चल रहा है तब तक शरीर की इम्यूनिटी मजबूत है। जैसे ही शरीर के आंतरिक अंगों में कुछ गड़बड़ी होती है, पेट खराब हो गया या किडनी खराब हो गई, लिवर खराब हो गया, रक्त का संचार ठीक से नहीं हो रहा, हार्ट खराब हो गया, कहीं भी कुछ कमजोरी आ गई, यानी शरीर के अंदरूनी अंगों में समन्वय कम हो गया है, वहीं आपकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है और कोई भी एक छोटा सा वायरस आपको विपत्ति में, संकट में डाल देता है। समाज के जिन वर्गों में आपस में समन्वय रहता है वहां पर समाज की इम्यूनिटी बीमारियों से और संकटों से लड़ने की शक्ति दृढ़ रहती है और बड़े से बड़े संकट, कोई भी चाहे सीमा पार के हों और कहीं के हों, कोई उधर निगाह उठाने की हिम्मत नहीं रखता। जब वो हार्मनी बिगड़ती है, जब वो साम्यता और वो समन्वय बिगड़ता है, तब सारे संकट शुरू होते हैं शरीर में और समाज में। तो एक तो होता है संकट का सबसे बढ़िया उपाय जो ऋषियों ने कहा है, हेयम दुखम अनागतम, जो भी दुख आ सकते हैं भविष्य में उन सब का पहले से अनुमान करके, पहले से अनुमान करके आप उसके उपाय सोच कर रखें। जो ऐसा करता है वो संकट आने पर विचलित नहीं होता और जो उपाय सोचकर रखे थे उनका अवलंबन लेकर के उन संकटों पर विजय पा लेता है। दूसरा होता है कि उसके बाद भी अगर संकट आ गया तो उसके बाद उसका जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, संकट से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति हम किस तरह करेंगे, इसके अनुमान पहले से लगाने होते हैं किसी व्यक्ति को, किसी बिजनेसमैन को, किसी भी गृहस्थ को, परिवार के स्तर पर और किसी भी राष्ट्र के नेतृत्व को। जहां ये चीज ढीली पड़ जाती है वहां शरीर में एक छोटा सा वायरस आपको तकलीफ में डालेगा और कोई भी एक छोटे से 10-20 हजार 2 हजार लोग पूरे राष्ट्र को तहस नहस करने में समर्थ हो जाएंगे। 2000 घुड़सवार लेकर के बाबर हिंदुस्तान में घुसा था और एक कोने से दूसरे कोने तक फसलों को आग लगाता हुआ, घोड़ों के टापुओं से धरती को रौंदता हुआ चला गया। अफसोस, इस देश की करोड़ों की आबादी अलग अलग हिस्सों में बटी हुई उस अत्याचार को चुपचाप सहती रही, क्योंकि आप तब भी बंटे हुए थे, अब भी बंटे हुए हो। एक मुस्लिम आक्रमणकारी ने सिर्फ 250 सैनिकों को लेकर के बंगाल पर कब्जा किया और कारण क्या था? कारण सिर्फ यह था कि वहां पर हमेशा शैव राजा होता आया था, अचानक उसकी मृत्यु हो गई और उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसके भतीजे को राजगद्दी मिली और वो वैष्णव था। ध्यान दीजिए, शैव और वैष्णव हिंदुओं के ही दो वर्ग हैं। शैव शिव की उपासना करते हैं, वैष्णव विष्णु की, वो विष्णु को मानते हैं। उस समय शैव और वैष्णवों में आपस में विवाह नहीं होते थे, आज भी नहीं होते।
दक्षिण भारत में शैवों की संख्या है, गुजरात में वैष्णव ज्यादा हैं, राजस्थान में वैष्णव ज्यादा हैं, बंगाल में भी। तो वो वैष्णव शैव राजा का वैष्णव भतीजा, जिसने वैष्णव मत की दीक्षा ले ली थी, वो राजा बन गया, सेनापति शैव था। मुझे उस मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये उसी आक्रमणकारियों के काफिले जब आते रहे जाते रहे, कभी महमूद गजनवी, कभी मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, उसी कालक्रम के बीच की बात है। तो जब उस वैष्णव राजा को यह सूचना मिली कि वो विदेशी आक्रामक चला आ रहा है, तो वो रातों रात अपनी रानियों को लेकर जंगल में भाग गया। किस लिए? क्योंकि उसको ये मालूम हुआ कि ये जो शैव सेनापति है ये मेरा साथ नहीं देगा, क्योंकि ये शिव का उपासक है। वो अपनी रानियों को लेकर जब जंगल में भाग गया तो सेना में विद्रोह हो गया। कुछ लोग शैव सेनापति के साथ रहे, बाकी भाग गए, और उस मुस्लिम आक्रामक ने खून की एक बूंद बहाए बिना पूरे बंगाल पर कब्जा किया। मित्रों, ये कहानी नहीं है, इतिहास है। इस देश की धरती ने ये दिन देखे हैं। क्यों? क्योंकि तब आप विभिन्न जातियों में, वर्गों में, विचारधाराओं में बंट गए थे, जबकि वेद पुकार पुकार कर कह रहा था, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु रथो दिव्यस सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वान माहु। इस संसार को बनाने वाली, चलाने वाली, संचालन करने वाली, संहार करने वाली, फिर निर्माण संचालन व्यवस्था करने वाली शक्ति एक है। उस एक सत, एकम सत, उस एक सत्ता को, एक परम शक्ति को विद्वान लोग बहुत तरह से कहते हैं, बहुत नामों से पुकारते हैं, बहुत तरह से उसका वर्णन करते हैं। वही इंद्र है, वही मित्र है, वही वरुण है, वही अर्यमा है, वही शिव है, वही रुद्र है, वही विष्णु है। वो ब्रह्म है क्योंकि वो विराट है, वो विष्णु है क्योंकि वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत। इस सारे संसार में हर जगह व्यापक रहते हुए वो इसका संचालन पालन करता है, इसलिए उसका नाम विष्णु है। वो शिव है क्योंकि कल्याण करता है, वो रुद्र है क्योंकि कभी कभी हमें रुलाता भी है, लेकिन रुद्र होने के साथ साथ वो शिव है क्योंकि उसके दिए आंसुओं के पीछे भी कोई न कोई कल्याण छिपा हुआ होता है। वो यम है क्योंकि वो हमारे जन्म मृत्यु सुख दुख कर्म फलों का नियमन करता है। परमेश्वर के अनंत गुण और शक्तियों के कारण उसको असंख्य नामों से पुकारा जाता है, और उसकी शक्तियों और गुणों को समझाने के लिए उन देवी देवताओं का वर्णन, उसकी कल्पना की गई है। आपने अपने उस प्राचीन दार्शनिक सिद्धांत की वास्तविक अवधारणाओं को भुलाकर उनको अलग अलग पर्सोनिफाइड किया, अलग अलग व्यक्तित्व के रूप में देखा। कोई बात नहीं, यहां तक जाने की क्या जरूरत थी कि शैव और वैष्णवों में इतना विरोध होने लगे कि शिव विष्णु की प्रार्थना नहीं करेंगे, विष्णु शिव की नहीं करेंगे। आपस में विवाह संबंध न करो, चलो कोई बात नहीं, प्रार्थना न करो कोई बात नहीं, एक तुम्हारा कॉमन दुश्मन, समान शत्रु सीमा पार से चला आ रहा है, तब भी आप आपस में एक दूसरे की पराजय के लिए उसका सहयोग लेते हो। अरे, आप श्री कृष्ण के मंदिर तो बनाते रहे, आप श्री कृष्ण का जय घोष तो करते रहे, और उनके जीवन चरित्र पर इतना सा भी ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। ध्यान दीजिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो अपनी बीमार महत्वाकांक्षा को तृप्त करने के लिए सारी दुनिया को तहस नहस करने के लिए तैयार रहते हैं, उसके लिए अपने राष्ट्र को गिरवी रखना पड़े उसके लिए भी उन्हें हिचकिचाहट नहीं होती। दूसरे वो हैं जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए अपना जीवन छोड़ना पड़े, यश छोड़ना पड़े, अहंकार छोड़ना पड़े, उसके लिए भी वो तैयार होते हैं। दुनिया में हर एक को सबसे ज्यादा प्रिय क्या चीज होती है? पैसा, पत्नी, पति, सबसे ज्यादा प्रिय होती है उसकी सेल्फ, उसकी ईगो। जिस समय विवाह संस्कार होता है आपकी हिंदू परंपरा में, उस समय निर्देश दिया जाता है आखिरी प्रतिज्ञा में कि अब तुम एक दूसरे को
अपने अहंकार से, अपने स्वयं से, अपनी प्राणवायु से, अपने जीवन से ज्यादा प्रेम करना। वो प्रतिज्ञा मात्र से नहीं हो जाता, करके बताना पड़ता है। कम से कम एक व्यक्ति को तो अपने जीवन से, अपने प्राणों से, अपनी ईगो से अधिक प्रेम करके देखो। शायद प्राकृतिक कारण होगा कि स्त्रियां इसमें आसानी से सफल हो जाती हैं। वो अपनी ईगो को पति की ईगो में बिल्कुल विलीन कर देती हैं, बिल्कुल मिला देती हैं, मर्ज कर देती हैं। पति अगर प्राइम मिनिस्टर हो जाए तो पत्नी को लगता है जैसे वो ही हो गई है। पूरी तृप्ति, प्रसन्नता, आह्लाद उतना ही अनुभव करती हैं पति को जो कुछ भी हासिल हो गया। होना तो ये भी चाहिए, इसका उल्टा भी, कि पत्नी अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो पति को भी उतना ही सुख हासिल हो। पर ऐसा आसानी से नहीं होता। पुरुष को प्रेम करने में और अपने अहंकार को विलीन करने में कठिनाई आती है, पर करो, कोशिश करो तो हो जाएगा। अगर तुम सारी आत्माओं में अपने जैसी आत्मा महसूस न कर सको, वो बहुत ऊंचा स्तर है अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने का, विराट हो जाने का। कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ो कि अपनी सेल्फ, अपनी ईगो से बाहर निकलो, अपने खोल से। और पुरुष हो तो कम से कम एक स्त्री, और स्त्री हो तो कम से कम एक पुरुष से उस ईगो को विलीन करने की प्रक्रिया में उतर कर देखो। आनंद की शुरुआत वहां से होती है। लेकिन जिनकी ईगो, जिनका अहंकार बिगड़ चुका है, वो बीमार मानसिकता के लोग, सारी दुनिया को अपने नियंत्रण में करने की, धरती के सारे संसाधनों को अपने कंट्रोल में कर लेने की इच्छा लेकर निकलते हैं। चंगेज खान, नादिर शाह, औरंगजेब, मुसोलिनी, हिटलर, ये सब वही नाम हैं। इनकी जगह पागलखाने में होनी चाहिए थी। इनको उस समय की जनता सम्राट के रूप में स्वीकार कर लेती थी। अगर आप सम्राट हो जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, और आपके लिए, आपके राष्ट्र, जिसकी जिम्मेदारी आप पर सौंपी गई है, उस राष्ट्र की जनता के हर एक सदस्य की आत्मा, उसका सुख आपके अपने सुख से ज्यादा होता है। ऋषि दयानंद ने राज्य चलाने वाले शासक, शासन से जुड़े हुए लोगों को परमेश्वर की प्रार्थना करने से भी छूट दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य कर्मचारी रातों में जाग रहे होते हैं ताकि जनता सुख से सो सके, यही उनकी प्रार्थना है, यही उनकी उपासना है। वो रातों को जाग रहे हैं ताकि जन सामान्य चैन से सो सके। वो सीमाओं की रक्षा में लगे हुए हैं, आंतरिक संकटों के प्रतिकार में लगे हुए हैं। अगर साम्राज्य पाना तुम्हारी अपनी निजी ईगो, अहंकार की तृप्ति का साधन बन जाए, तो ऐसे विकृत लोगों से भरा हुआ राष्ट्र और ऐसे विकृत मानसिकताओं से भरी हुई मानवता हमेशा संकटों से घिरी हुई रहेगी। एक वो श्री कृष्ण थे जिन्होंने देश के लिए अपनी ईगो, अपने अहंकार पर विजय पाई। मालूम है आपको श्री कृष्ण के जीवन का वो भाग? आप अगर गुजरात में जाएं तो बड़े प्यार से वहां के लोग श्री कृष्ण को एक विचित्र नाम से पुकारते हैं, रणछोड़। और गुजरात में आपको हर सातवें आठवें आदमी का नाम रणछोड़ दास मिलेगा, पुराने व्यक्ति का। अभी नई पीढ़ी में थोड़ा यूनिक नाम रखने की जो शैली चली है वो अलग छोड़िए, वरना हर तीसरा चौथा आदमी रणछोड़ दास है। क्योंकि श्री कृष्ण अपने कुछ हजार साथियों को लेकर के ब्रज क्षेत्र, आपके पास का ये आगरा मथुरा का क्षेत्र छोड़ करके, अपना प्रिय लीला भूमि का इलाका छोड़ करके, अपने अनुयायियों को साथ लेकर के चले गए बहुत लंबे समय के लिए द्वारिका, गुजरात में। गुजरात के लोग बड़े प्यार, श्रद्धा और सम्मान से श्री कृष्ण को रणछोड़ कहते हैं, यद्यपि रणछोड़ शब्द कोई सम्मानजनक नहीं है। आप इसका अर्थ समझ रहे हैं ना? वो इंसान जो युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग गया, श्री कृष्ण लड़ते ना कंस और जरासंध से, युद्ध छोड़ करके वो द्वारिका चले गए। आज तक उन्हें रणछोड़ कहा जा रहा है। उनके यश, उनके सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा पर यह एक बड़ी चोट थी कि नहीं, कि वो पीठ दिखा करके, क्षत्रिय होकर के, एक वीर साहसी पुरुष होकर के और अपने अनुयायियों को साथ लेकर के युद्ध का मैदान छोड़कर चले गए, ब्रज छोड़कर के गुजरात चले गए। दुनिया ये कहेगी श्री कृष्ण जानते थे कि मैं अपने अनुयायियों को लेकर यह इलाका छोड़कर जा रहा हूं, दुनिया मुझे युद्ध में पीठ दिखाकर भाग जाने वाला कहेगी, दुनिया मेरा अपमान करेगी, करे। उन्होंने अपने इस अहंकार पर, अपनी ईगो पर विजय पाई। किन कारणों से? क्योंकि राष्ट्र पहले था, मेरा निजी अहंकार बाद में है। कहते रहे लोग,
जब उन्हें पता चला कि जरासंध ने एक विदेशी शासक काले यवन से संधि की है, और संधि समझौता क्या था, यह कि मैं अकेला कृष्ण को हरा नहीं पाता हूं, इसलिए तुम अपनी सेनाओं को साथ लेकर के आओ, हम दोनों मिलकर कृष्ण से लड़ेंगे, और जब हम कृष्ण को हरा देंगे तो कृष्ण के कब्जे में जो भूमि है वो राज्य तुम्हारा होगा। कालेवन ने पूछा, और अगर हम दोनों मिलकर भी कृष्ण को नहीं हरा सके तो? तो जरासंध ने कहा कि फिर अगर हम दोनों मिलकर भी नहीं हरा सके तो भी मैं अपने राज्य में से तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। इस संधि का पता जब श्री कृष्ण को चला तब उन्होंने सोचा कि एक विदेशी शक्ति की जड़ें भारत में जम जाएंगी, मेरी वजह से ही तो जरासंध परेशान है ना, तो वह अपने साथियों को लेकर के चुपचाप ब्रज क्षेत्र छोड़कर के द्वारिका चले गए और काले यवन से संधि होते होते रह गई। काले यवन को भारत में आने का मौका नहीं मिला। पूरे 18 साल प्रतीक्षा की है श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ये भी सोचते थे कि ये जरासंध लड़ता है मुझसे, मैं लड़ता हूं इससे, अन्याय करता है ये, अत्याचारी है ये, अधार्मिक और दुष्ट है ये, संहार होना चाहिए इसका, जनता को सताता है ये, लेकिन ये दुष्ट जनता में से ही उनके नौजवानों को लेकर के अपनी सेना में भर्ती करता है, और ये तो मरता नहीं, मरते हैं सैनिक उसके भी मेरे भी, हैं तो दोनों भारतीय ही और आपस में दूर के रिश्तेदार भी लड़ रहे हैं, और अब इस दुष्ट ने कालेवन से संधि कर ली है तो इन निरीह सैनिकों का व्यर्थ खून बहाने से क्या लाभ, और ये दुष्ट कालेवन को और अपने राज्य में से आधा राज्य देगा। चले गए वो छोड़कर के अपने साथियों को लेकर के, और फिर 18 साल की प्रतीक्षा के बाद उन्होंने बिना किसी सैनिक का खून बहाए द्वंद्व युद्ध में भीम से युद्ध करवा करके उसको पराजित करवाया है। ये उनका नीति कौशल था, लेकिन सारा नीति कौशल, सारा कुछ, सारा संग्राम उनका प्रारंभ से लेकर के अंत तक अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं है। वो अपने किसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उत्सुक नहीं है। वो अकेले हैं पूरे महाभारत के युद्ध के नायकों में से जो राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, राष्ट्र की अखंडता के लिए लड़ रहे हैं। तो अपने अहंकार को पीछे कर लिया उन्होंने, राष्ट्र पहले है। बीमार महत्वाकांक्षा वाले लोग दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए निकलते हैं और सारी दुनिया कराह उठती है युद्ध से, कलह से, द्वेष से, क्योंकि फिर ऐसे लोग बहुत होते हैं और उनके गुट बन जाते हैं। आपके देश में जो वर्तमान संकट हैं उनका संबंध अतीत के संकटों से है। अब भी यदि आप ऐसे लोगों पर नियंत्रण नहीं करेंगे और ये हिंदू समाज आपस में टूटा फूटा रहेगा, तो मुझे बताइए, अगर आप अपने उन ध्वस्त चिन्हों को वापस बना भी लें, इस बात की गारंटी कैसे ली जा सकती है कि वो दोबारा से ध्वस्त नहीं कर दिए जाएंगे? नहीं तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान दीजिए, अगर किसी ध्वस्त बिल्डिंग को दोबारा से उसी पुराने विजय चिन्ह के रूप में आप बनाते हैं, प्राप्त करते हैं और उन मान बिंदुओं की स्थापना के लिए प्रयास करते हैं, तो इसमें आर्य समाज के लोगों को कोई परेशानी नहीं है। और इसमें ध्यान दीजिए, आर्य समाज हमेशा किसी भी राष्ट्रीय संकट में सबसे आगे रहा है। राजनीतिक दल कोई भी रहा हो, जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी तो कांग्रेस का युद्ध हो, कांग्रेस का तरीका आजादी पाने का सरल तरीका था, क्रांतिकारियों का तरीका कठिन था, उसमें जीवन की चुनौती थी, मारो और मरो, फांसी का फंदा सामने था हर एक क्रांतिकारी के लिए, और वो अपने जीवन को हथेली पर रखकर चलते थे। दूसरी धारा कांग्रेस की थी, तुम जीवन नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, कौन इतनी बड़ी उस लड़ाई में और क्रांतिकारिता में शामिल होगा, लेकिन सरल काम, इतना सा काम, एक साथ मिलकर के भारत माता की जय बोलो, जरा सड़क पर निकलकर जरा तिरंगा झंडा फहराओ, कहीं विदेशी कपड़े पहनना बंद करके स्वदेशी वस्त्र पहनना शुरू करो, इतने छोटे मोटे काम जो आप कर सकते हैं कीजिए। उसमें शामिल होने वाले लोग, तब 28 करोड़ की आबादी थी, उसमें शामिल होने वाले लोग 70 लाख थे,
क्रांतिकारी कितने थे? कुछ हजार। दोनों धाराओं ने मिलकर जो चोट की उससे अंग्रेज को भागना पड़ा और दूसरे विश्व युद्ध ने भी उसमें मदद की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रास्ता भी एक तीसरे तरह का था, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद उन्होंने वो अपनाया और बिल्कुल ठीक था। अगर जापान जर्मनी की विजय होती तब तो नेताजी बिल्कुल ठीक प्रयास कर रहे थे। चलो, ये तीन धाराएं अपने अपने प्रयास में सार्थक हुई, लेकिन जो कहना चाहता हूं इस प्रसंग में वो आपसे ये कि तीनों धाराओं में आर्य समाज की भूमिका सबसे अधिक थी। इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। खैर, अपने मुख से अपने संगठन की अपनी प्रशंसा आत्मश्लाघा हो जाएगी। दूसरे लोग कहते हैं, डॉक्टर पट्टाभि सीतारामैया कोई आर्य समाजी नहीं थे, कांग्रेस के इतिहास में उन्होंने मुक्त कंठ से इस बात को स्वीकार किया है। आजादी आई उसके बाद देश में जो जो आंदोलन चले उसमें आर्य समाज ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है, चाहे राजनीतिक दल कोई भी रहा हो। आर्य समाज के लोग विभिन्न राजनीतिक दलों में हैं और आर्य समाज के नेतृत्व से जुड़े हुए लोग भी, कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई जनता दल में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आर्य समाज से जुड़ा हुआ कोई भी एक आम आदमी राष्ट्रीय संकट की बराबर पहचान रखता है और उसके मुकाबले के लिए जो भी अपनी सीमाओं के अंदर वो जितना त्याग और सेक्रीफाइस करने की जरूरत है उसके लिए वो तैयार रहता है। पर मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि मित्रों, जड़ स्मारकों को दोबारा से पालोगे अच्छा है, उसके लिए आपकी कोशिशें, उसका स्वागत, अभिनंदन। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जड़ से चेतन ज्यादा महत्वपूर्ण है? जड़ से चेतन ज्यादा महत्वपूर्ण है? एक जड़ ढांचे को आप दोबारा से बना लें अच्छा है, लेकिन जो चेतन ढांचे आपके ही भाई हिंदू मुस्लिम हो गए उनको वापस अपने में मिला लेने का कोई प्रोग्राम आपके पास आज की तारीख में है? क्यों क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि आपने अपने उसी आपस के टकराव को और वर्गों के समन्वय की कमी को आज भी बनाया हुआ है। एक मुसलमान अगर वेद पढ़ता है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ता है, गीता पढ़ता है और उससे प्रभावित होता है, और अगर हिंदू होना चाहता है, एक ईसाई अगर हिंदू होना चाहता है, तो क्या हो सकता है? हो सकता है? कैसे होगा? क्योंकि हिंदू होने की शर्त क्या है? या तो आप ब्राह्मण माता पिता के यहां जन्म लें, या ठाकुर माता पिता के यहां जन्म लें, जाट माता पिता के यहां, गुजर के यहां, कायस्थ के यहां, यादव के यहां, आप किसी जाति के अंदर पैदा हुए हैं तो आप ना तो ब्राह्मण हो सकते हैं, ना यादव हो सकते हैं, ना ठाकुर हो सकते हैं, ना कायस्थ हो सकते हैं, ना जाट हो सकते हैं, ना गुजर हो सकते हैं, ना वैश्य हो सकते हैं, ना ये हो सकते हैं, ना वो हो सकते हैं। तो आप क्या हो सकते हैं? हिंदू होकर आप क्या होंगे? सवाल ये है ना। एक ईसाई अगर हिंदू होता है तो उसके बेटे बेटियों की शादियां कहां होंगी? ब्राह्मणों में, वैश्यों में, क्षत्रियों में, जाटों में, गुजरों में, किस में होंगी? नहीं, आर्य समाज कोई कहीं आसमान से उतरे हुए लोग हैं, वो भी तो ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, जाट, गुजर आदि हैं। आप बताइए, यहां बैठे हुए आप लोग अपने बेटे बेटियों के विवाह कहां करते हैं? अपनी ही जाति में। तो आर्य समाज तो एक विचारधारात्मक आंदोलन है, आप उसको उसके विचार पसंद आते हैं, आप सत्संग में आ जाते हैं, सब सामाजिक दृष्टि से तो आप हिंदू ही हैं। मेरा आपसे कहना यह है कि आप जब तक कोई ऐसा प्लेटफार्म तैयार नहीं करते जिसमें कोई भी व्यक्ति आना चाहे तो आ सके और सहर्ष आपके समाज का हिस्सा बन सके, तब तक आप चेतन ढांचों को जो आपसे आपके शत्रु बन गए उनको आप अपने नजदीक कैसे ला सकेंगे, अपना कैसे बना सकेंगे? और आप उनसे संख्या में कम हैं पूरे पूरे विश्व के फलक पर आप विचारें तो। और आपके सामने जो इस समय संकट है वो अपने अस्तित्व का संकट बना हुआ है, वो शक्तियां आपसे ज्यादा बढ़ रही हैं और आपको अपने अस्तित्व के संकट पर भी जरा भी ख्याल नहीं आता, बैठकर सोचने के लिए हम तैयार नहीं होते। पंडित लेखराम और स्वामी श्रद्धानंद ने इस समस्या का समाधान उसी समय सोचा था, हेयम दुखम अनागतम, वो महसूस कर रहे थे, तब देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था, भारत पाकिस्तान बने नहीं थे, उन्होंने महसूस किया था कि ये इलाका एक दिन पूरे राष्ट्र के लिए संकट बनेगा। और स्वामी श्रद्धानंद और पंडित लेखराम के नेतृत्व में मुसलमानों के गांव वापस हिंदू हो रहे थे,
उनको किसी जाति में मिलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गांव के गांव सामूहिक रूप से शुद्ध हो रहे हैं, वापस अपने मूल धर्म में आ रहे हैं। जिस जाति में थे वही जाति उनको अपनाने के लिए तैयार थी, और स्वामी श्रद्धानंद ने गांव गांव जाकर के उस जाति के हिंदुओं की जाति के मुखियाओं को राजी किया, तुम अगर इन्हें आज अपने में नहीं मिलाओगे तो भविष्य अच्छा नहीं है। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद और लेखराम की बात उस समय हिंदू समाज ने नहीं सुनी। ये विराट हिंदू समुदाय साथ नहीं आया उस समय। तब अगर आर्य समाज की बात आपने समझ ली होती, स्वीकार ली होती, तो आज पाकिस्तान नहीं होता इस पृथ्वी पर। आज आप आतंकवाद के लिए रोते हो और उस संकट के समाधान ढूंढते हो। कोई नेता उस संकट का समाधान नहीं करेगा, क्यों करे? उसके अपने तात्कालिक स्वार्थ हैं। वो इस राष्ट्र के लिए शासक बनकर नहीं बैठा है, वो अपनी सत्ता के लिए बैठा है। और देश की राजनीति जिधर जा रही है आप महसूस करते हैं, जितने भी निकम्मे लोग हैं वो राजनीति में घुस आते हैं, जितने भी अपराधी हैं, असामाजिक लोग हैं, वो राजनीति को नियंत्रण कर रहे हैं। इसलिए आपको पता है कि समाज का, राष्ट्र का संकट सबसे बड़ा कहां छिपा हुआ है? तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, दुनिया में और इस देश में संकट कौन पैदा कर रहे हैं? बुरे आदमी, बोलिए ना, बुरे आदमी जी नहीं, मेरा कहना है अच्छे आदमी। बर्ट्रेंड रसेल की एक किताब है छोटी सी, द हार्म दैट गुड मैन डू, वो नुकसान जो अच्छे लोग दुनिया को पहुंचाते हैं। वो क्या करते हैं? वो राजनीति से, शासन से, सत्ता से दूर भागते हैं। वो अपने निजी सुख, गृहस्थ परिवार ठीक ठीक चल रहा है तो ठीक है, वो अच्छे हैं, लेकिन वो राष्ट्र के फलक पर सोचना बंद कर देते हैं। और दूसरे जो कमजोरी रहती है अच्छे लोगों की, वो ये होती है कि वो यूनाइटेड नहीं होते, संगठित नहीं होते। वो अपनी अच्छाई का भी अहंकार होता है, हम तो ठीक कर रहे हैं, हम तो अपना ठीक ठीक है। लेकिन आप ये नहीं देखते कि बुरे लोग बढ़ते जाते हैं, और जैसे ही आप जगह खाली करेंगे राजनीति में, शासन में, व्यवस्था में, जैसे ही आप जगह खाली करते हो, प्रकृति का नियम है कि वैक्यूम नहीं रहता, वहां कुछ ना कुछ प्रवेश करता है। और ध्यान दीजिए, प्रकृति का नियम यह है कि सफाई, अच्छाई हमेशा सतत प्रयास से फैलाए रखनी पड़ती है, बुराई अपने आप उपजती है। इस बिल्डिंग में, इस हॉल में रोज झाड़ू देनी पड़ेगी तो सफाई रहेगी, रोज कुर्सियां पहुंचनी पड़ेंगी तो ये साफ रहेंगी। और कितना भी हॉल एयर टाइट बंद कर दो, महीने भर बाद खोलना, आप देखिए वहां क्या होगा, कहां से गंदगी प्रवेश कर जाती, क्रिएट हो जाती, कितनी तरह के कीटाणु रोगाणु वहां जन्म ले लेंगे इस कारपेट के नीचे। तो फिर इसलिए बुराई तो बुराई के साथ एक ये ताकत है कि वो अपने आप क्रिएट होती है। अगर अच्छाई का प्रचार नहीं किया जाएगा, अगर अच्छाई नहीं बढ़ाई जाएगी, अच्छे लोगों को संगठित नहीं किया जाएगा, तो फिर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में बुराइयां तो पनपेंगी ही। और दुर्भाग्य तो तब बढ़ता है जबकि मनुष्य के मन की विकृत भावनाओं को बढ़ाने के लिए सारा मीडिया जुट जाता है। एंटरटेनमेंट के नाम पर जब आप एक्साइटमेंट परोसने लगेंगे और उसके केंद्र बिंदु सिर्फ दो रह जाएंगे, सेक्स और वायलेंस, तो वो जब किसी भी युवा के मन में जगह पाते हैं तो वो स्टोर होते रहते हैं। हिंसा के दृश्य आप देखते रहिए, और फिर जब वो स्टोर हो जाएंगे तो भड़केंगे, कहीं बाहर निकलेंगे, उनको कैथारसिस का रास्ता मिलना चाहिए। मनुष्य के मन में वैसे ही ये उद्वेग भरे हुए हैं, वैसे ही प्रबल हैं, इनको अगर और एक्साइट किया जाएगा उन दृश्यों को दिखा करके, तब उसके परिणाम आपके चित्त पर, आपके व्यक्तित्व पर अच्छे नहीं होते, और आपके मन मस्तिष्क के संकट गहराते हैं, और उसके बाद वो सामाजिक संकट बनते हैं। क्यों सड़कों पर बलात्कार और दो कार जरा सा छू गई और झगड़ा, ये सब क्यों है? क्योंकि बहुत तरह के तनाव मनुष्य के मन में इकट्ठे हो जाते हैं, निकलते हैं कहीं छोटी सी बात पर। उदाहरण लीजिए, आप क्रिकेट देखते हैं, खुद ना खेलकर अगर आप खुद खेलेंगे क्रिकेट, तो वो सामने से गेंद आई और आपने ये मारा उसको,
आपके अंदर की जो मारने की जो किलिंग इंस्टिंक्ट है ना, वो बाहर निकल जाएगी, बह जाएगी और आपका मन स्वस्थ हो जाएगा। फिर आप घर जाकर पत्नी से नहीं लड़ोगे, बॉस ने गुस्सा किया था उससे तो आप लड़ नहीं सकते थे। अगर आप खेलते, कुछ कूदते, कुछ व्यायाम करते, कहीं कुछ ऐसा वैसा करते, तो शरीर से वो जो एड्रेनलिन इकट्ठा हुआ था आपके ब्लड में, वो बाहर निकल जाता, वो बर्न हो जाता। और नहीं हुआ तो आकर पत्नी से झगड़ोगे, जरा सा नमक तेज हो गया था, बात जाने कहां से कहां पहुंचेगी, बच्चे को पीटोगे, नौकर को डांटोगे बिना कारण के। तो आप खेलते नहीं, व्यायाम करते नहीं, और बैठकर टीवी खोलकर देखते रहते हो भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच। और जब पाकिस्तान के साथ हो रहा है तब तो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, गुस्सा होते हैं। पाकिस्तान में एक दर्शक ने, जो क्रिकेट का मैच देख रहा था, पाकिस्तान हारा और उसने रिवाल्वर उठाई, एक गोली टीवी में मारी और एक अपने। अभी भारत में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ और तो होगा। क्यों? क्योंकि कारण मनोवैज्ञानिक है। आप जब टीवी पर क्रिकेट देखते हैं और खेलते नहीं, तो गेंद जो आई उसको मारा उसने, खिलाड़ी ने हिट किया है, आपने नहीं। अब वो हिटिंग का सीन आपके मन में रह गया है, दोबारा फिर मारा, पर आप तो हिट कर नहीं रहे, वो हिट करने वाले सीन आप देखते हो, वो एक सूक्ष्म हिंसा है जो आपके मन में इकट्ठी हो रही है, वो भी झुंझलाहट में बदलेगी। और अगर आप बाकायदा लड़ाई के, युद्ध के दृश्य देख रहे हैं, और कभी आप गौर करते हैं कि आपके बच्चे जो कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं, जो वीडियो गेम खेल रहे हैं, वहां पर भी वायलेंस छिपी हुई है, बड़ी भयंकर वायलेंस। मोटरसाइकिल चला रहा है बच्चा, यूं नहीं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर उधर से जा, उधर से जा, उधर से जा, और उसको आगे जो मोटरसाइकिल जा रहा था उसको यूं लात मार के गिरा देना है, वो खुश होता है। कल्पना में ही सही, अभी उसने वास्तव में किसी दूसरे मोटरसाइकिल सवार को गिराया नहीं है, खेल में गिराया है, वीडियो गेम की, कंप्यूटर की स्क्रीन पर गिराया है। जब वो उभर कर आएगा इस दुनिया में, तो आगे बढ़ने के लिए वो अपने साथियों को उनकी टांग खींचकर गिराने के लिए क्यों हिचक करेगा? आप कैसी दुनिया बना रहे हो? सेक्स और हिंसा से भरी हुई, माना ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, लेकिन हिंसा अन्याय के विरोध में काम आनी चाहिए और कामुकता प्रेम में बदलनी चाहिए। आप उसको जो कन्वर्ट करने की, रूपांतरण की जो व्यवस्थाएं थी ऋषियों की, उसको छोड़कर न जाने कहां से कहां पहुंच रहे हो। इसलिए आपका अहंकार, आपकी ईगो विकृत न होने पाए, उसे सुकृत रूप दीजिए, दुनिया को मुट्ठी में कर लेने की बजाय दुनिया को बेहतर बनाने वाले प्रयासों के साथ जुड़े। श्री कृष्ण ने और दूसरे महापुरुषों ने जो कुछ भी इस दुनिया को योगदान दिया है, उनके सुकृत अभी तक हमारे काम आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने, वेद के एक मंत्र में प्रार्थना की गई है, शन्नह सुकृताम सुकृतानी संतु, शुभ कर्म करने वाले लोगों के सुकृत हमारे लिए कल्याणकारी हों। और वो दो तरह से होते हैं, एक तो हम सुकृतों से लाभ उठाते हैं, दूसरे उनसे प्रेरणा पाते हैं कि हम भी सुकृत कर सकें, अच्छे कार्य कर सकें। अच्छा, टीबी की बीमारी से अब से 40-50 साल पहले तक आदमी मर जाता था। टीबी हो जाए और भयंकर बीमारी, संक्रामक, एक को हो गई है परिवार में, दूसरों को हो जाएगी, इसलिए परिवार के लोग बड़ी वेदना दुख के साथ टीबी के बीमार अपने परिवार के सदस्य को पहाड़ पर छोड़ आते थे किसी सैनिटोरियम में, पहाड़ की जलवायु से, अच्छे खान पान से, ठीक हो जाओ तो तुम्हारा भाग्य, नहीं तो बस नमस्ते, चले आते थे। वो समय था। मुझे उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने टीबी का इलाज खोजा। अब टीबी से कोई मरेगा नहीं, इलाज मौजूद है। 6 महीने साल भर तक पूरा कोर्स करना पड़ेगा, वो दवाई खानी पड़ेगी और अंदर उसका रोगाणु मर जाएगा। वो चिकित्सा वैज्ञानिक, वो डॉक्टर, ये सोच सोच कर दुखी होता था, टीबी की बीमारी से लोग मर जाते हैं, इसका रीजन क्या है? कारण पता चले तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। पहले तो कारण ढूंढना पड़ेगा ना कि है क्या, इसका कारण क्या है। तो वो 20-22 साल तक प्रयोग करता रहा, आखिर में उसने वो रोगाणु ढूंढ लिया जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होती है।
उस रोगाणु को उसने ढूंढ लिया, लेकिन उस कोशिश में वो खुद टीबी का शिकार हो गया और मर गया। वो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करने वाले वर्ग में था और आज मेडिकल साइंस में हर एक डॉक्टर टीबी के रोगाणुओं को उस चिकित्सा वैज्ञानिक को सम्मान देते हुए कॉक्स नाम से पुकारता है। उसका नाम रॉबर्ट कॉक था। अगर हम और आप नाम नहीं जानते तो इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है, किस किस का नाम जानेंगे। असंख्य लोग हैं जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कुछ लोग हैं जिनको यश मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता, लेकिन जो भी इस दुनिया को बेहतर बनाने में लगता है वो अपने अहंकार को विकृत नहीं करता, सुकृत करता है, सुकृति की तरफ ले जाता है, संस्कृति की तरफ ले जाता है और उसका अस्तित्व सार्थक हो जाता है, सफल भी हो जाता है, सुफल भी हो जाता है, सार्थक भी हो जाता है। भले ही दुनिया उसका नाम जाने या न जाने, जब वो उस कल्याणकारी कार्य में सुकृत में लगा हुआ था तब भी उसके मन में ये आकांक्षा नहीं थी कि दुनिया भविष्य में उसका नाम लेगी या उसे नोबेल प्राइज मिलेगा या उसे सम्मान और प्रतिष्ठा देगी। वो निष्काम भाव से कर रहा होता है और इसी वजह से वो निष्काम भाव से किए गए कर्म पुण्य में बदलते हैं और उन्हीं पुण्यों का फल होता है ईश्वर की कृपा। ध्यान रखिए, इस देश की सबसे बड़ी सारे संकटों के मूल में जो समस्या है जानते हैं क्या है? वो ये है कि इस देश को एक विकृत दार्शनिक विचारधारा ने संत्रस्त कर दिया, आक्रांत कर लिया। और वो विचारधारा ये थी कि बस हमें अपना निजी निजी मोक्ष पाना है, सबके कर्म अपने अपने, पत्नी अपना मोक्ष पाएगी, बेटा अलग, हम अलग। हमने सामूहिक सुखों की उपेक्षा की। सामूहिक सुख जब उपेक्षित हो जाते हैं तो समाज उपेक्षित हो जाता है और एक एक व्यक्ति की भीड़ समाज नहीं बनती। उसमें कुछ नियम काम करते हैं तब समाज व्यवस्थित होता है, लेकिन यह आपकी प्राचीन विचारधारा नहीं थी। ऋषियों की परंपरा से पूछो, ऋषियों की परंपरा की जो आखिरी कड़ी है ऋषि दयानंद, वो साफ कहते हैं कि केवल ईश्वर प्रार्थना, उपासना, ध्यान, धारणा, समाधि के द्वारा तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा। अरे तुम ईश्वर को जानने की, ईश्वर को पाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें अपने जैसे जीवात्मा नहीं दिखाई देते? तुम्हारे जैसे जीवात्मा तुम्हारे देश में, समाज में अगर दुखी हैं, परेशान हैं, संतरस्त हैं और तुम्हारा उनका दुख, उनकी वेदना तुम्हारे हृदय में नहीं उतरती, तुम कैसे मनुष्य हो? तुम समाज में रहते हुए दूसरों के दुख दर्द को दूर करने के लिए जरा भी प्रयास नहीं करते। तुम उनको दुख दर्द दूर करने के लिए तुम्हारी कृपा जरा भी नहीं होती। तुम समझते हो ईश्वर तुम पर कृपा करेगा? इसलिए वो सिरे से इस बात को खारिज करते हैं कि हिमालय की गुफा में जाकर बैठ गया है जो योगी वो मोक्ष प्राप्त करेगा। नहीं, एकांत साधना के लिए वो उपयोगी होगी, लेकिन उसके बाद दुनिया को सही रास्ते पर चलाने के लिए, दुनिया को संदेश देने के लिए, ज्ञान का प्रसार करने के लिए, अज्ञान का अंधेरा दूर करने के लिए हर एक योगी सन्यासी को समाज में विचरना चाहिए। ऋषि दयानंद की अपेक्षा है। वो अपने समय में पुकारते रह गए और इच्छा करते रह गए कि मेरे जैसे लोग जो विद्वान हैं, वेदों की जानकारी रखते हैं, संस्कृत जानते हैं, वो इस देश के जागरण में साथ आ जाएं। लेकिन पुकारते पुकारते थक गया वो ऋषि, साथ देने के लिए एक भी विद्वान नहीं आया, जबकि उनसे, वो खुद कहते हैं कि उनसे ज्यादा संस्कृत व्याकरण पर अधिकार रखने वाले सैकड़ों लोग उस समय, हजारों लोग धरती पर थे। किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि लोक जागरण के लिए, देश को पराधीनता से मुक्त करने के लिए कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। और ऋषि अकेले अपनी बात नहीं कह रहे हैं, वो वेदादि शास्त्रों की रोशनी में बोल रहे हैं। जब तक आप ईश्वरोपासना के साथ साथ निष्काम कर्म नहीं करते, निष्काम कर्म वही होता है जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, राष्ट्र और समाज की उन्नति के लिए किया जाए, दूसरों का दुख दूर करने के लिए किया जाए, वही निष्काम कर्म होता है। और उसके बिना आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। किसी का अकेला मोक्ष नहीं होता। आपको सबके साथ जुड़कर सामूहिक दुखों को, सामूहिक संकटों को परास्त करने की प्रक्रिया के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसके बिना आप ईश्वर की कृपा के, आशीर्वादों के अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए मित्रों, अपना निजी निजी सुख नंबर दो पर रखिए। जो सामूहिक सुख है उसको ध्यान में रखें। जब सामूहिक सुख बरसता है तो सब पर बरसता है और सामूहिक दुख भी सबके होते हैं, तब संकटों का निदान पहले से सोचा जाता है।
अच्छा एक बात बताइए, अभी आप डेंगू से, मलेरिया से, वायरल से परेशान है ना, और डर लगता है कहीं भी निकलते हुए। और मैं तो देखता हूं बहुत लोग बड़ा प्रिकॉशन लेते हैं, मुंह पर रुमाल बांध लिया है या वो लगाए घूम रहे हैं स्वाइन फ्लू और क्या क्या से बचाव के लिए, वो प्रयास कर रहे हैं, अच्छा है उनके प्रयास सफल हों। लेकिन मैं सोचता हूं कैसे बचूंगा, कहां तक बचूंगा, और मुझे वो प्रयास नाकाफी लगते हैं। पिछली बार जब स्वाइन फ्लू का ताजा ताजा वो प्रकरण चला था तो मुंबई में स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए जरा सा जर्रीदार वो कपड़ा सा है सिंथेटिक बना हुआ जो मुंह पर ऐसे लपेट लेते हैं कि दूसरे की सांस से वो स्वाइन फ्लू का वो अंदर न चला जाए रोगाणु, 850 रुपए से लेके और 1800 रुपए तक बिक रहा था वो जरा सा 15 रुपए 5 रुपए की चीज। अच्छा ये क्या है, ये क्या संकेत देता है, हर हर चीज से आप मुनाफा कमाने निकलेंगे। अगर आप सोच पाए ये सब क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे सफाई स्वच्छता की कमी ही तो है। तो आप दोष देते हैं कि बारिश ज्यादा हो गई, और जब नहीं होती तब दोष देते कि हो नहीं रही। आपको बारिश ज्यादा इसलिए लग रही है कि 20 साल से जितनी सचमुच बारिश होनी चाहिए थी वो रुकी हुई थी, अब हुई है तो आपको ज्यादा लग रही है। और इस 20 साल में आपने दिल्ली का हर कोना बिल्डिंग से भर दिया, कोई पानी निकलने को रास्ता छोड़ोगे कि नहीं। लेकिन आज अगर डेंगू है, मलेरिया है और सारे वायरस घूम रहे हैं मच्छरों से फैलाए जाने वाले, तो मैं अब से 30-35 साल पहले के अतीत में जाता हूं जब मैं बच्चा था और मैं दीवारों पर लिखा हुआ नारा ढूंढता था, नारा देखता था, मच्छर रहेंगे मलेरिया नहीं। उससे पहले नारा था मच्छर समाप्त कीजिए, मलेरिया समाप्त कीजिए। तो क्या हुआ, आपका जो सामूहिक निजी सुख जो है ना, जो राष्ट्र के सुखों दुखों से ऊपर हो जाता है और वो करप्शन में भ्रष्टाचरण में बदलता है। 35 साल पहले, 40 साल पहले जब देश के कोने कोने में डीडीटी का छिड़काव किया जा रहा था सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, वो डीडीटी का छिड़काव अगर उस समय एक बार ईमानदारी से कर दिया होता तो मच्छर का वंश समाप्त था। और मुझे अपने बचपन की याद है, हम एटा में बिना मच्छरदानी के ऐसे ही खुले में सोया करते थे, बिजली नहीं थी, कोई जरूरत भी नहीं थी। अगर मई जून के महीने में आप खुले में जहां आसपास ज्यादा बिल्डिंग नहीं है छत पर सो जाइए, 11 बजे के बाद मौसम बढ़िया हो जाता था। अब बहुत बिल्डिंग्स हैं कंक्रीट के जंगल तैयार किए तो रिफ्लेक्शन होता है गर्मी का, चैन नहीं मिलता, बिना बिजली के आप अब नहीं रह सकते। तब अगर ईमानदारी से डीडीटी का छिड़काव होता तो अब मच्छर और उससे फैलने वाले रोगाणु नहीं होते। पर तब डीडीटी में सफेदी मिला मिलाकर, चूना जो दीवारों पर पोता जाता है वो मिला मिलाकर छिड़क दिया गया, कुछ मच्छर मरे कुछ जिंदा रह गए जो शक्तिशाली थे जिनकी इम्यूनिटी मजबूत थी। दूसरे साल फिर छिड़की गई वैसी मिलावटी, तीसरे साल फिर छिड़की गई और उसका परिणाम ये निकला कि मच्छर डीडीटी और जो भी मच्छर मारने वाले रसायन है उनके प्रति इम्यून हो गया, अब नहीं मरता, अब वो शक्तिशाली होकर घूम रहा है और साइंस और टेक्नोलॉजी की शक्तियां हाथ में लिए हुए मनुष्य को पराजित कर रहा है। ढूंढो डेंगू का इलाज है, अभी तक नहीं। अरे पोलियो के दवाई को, ड्रॉप को रखने के लिए जो फ्रिज इंपोर्ट हुए वो तो बाजार में बेच दिए गए और उसका परिणाम यह है कि सारे भारत में कितने सालों से पोलियो ड्रॉप का अभियान चलाने के बाद पोलियो के मरीज वापस मौजूद हैं, वो रोगाणु नहीं मार सके। आपको एक छोटा सा रोगाणु पराजित कर देता है, विदेशी आक्रमकों की तो बात जाने दो, चाइना से क्या लड़ोगे। तुम्हारे आंतरिक एक दूसरे को दुख पहुंचाने के, अपने निजी स्वार्थ के लिए कितना भी बड़े से बड़ा करप्शन करने के लिए, देश को बेच देने के लिए तैयार रहता है इस देश का व्यक्ति, विकृत मानसिकता लिए हुए। वो सोचते हैं 5 साल के लिए हम शासक बन जाएं, बस इतना सा सपना, राष्ट्र का कुछ भी होता रहे, संकट आता है तो वो उस संकट का प्रतिकार क्या करेंगे, जनता के दबाव से, मीडिया के दबाव से बस संकट का प्रतिकार करते हुए दिखना चाहते हैं, बस इतनी कोशिश रहती है। क्योंकि कोशिश असली वो क्या करेंगे, असली कोशिश तो समाज की होती है, समाज ने ही उनको व्यवस्थित किया है और समाज ही अव्यवस्था को जन्म देगा। कहीं पर मैंने बड़ी दिलचस्प बात पढ़ी कि एक व्यक्ति की पत्नी कहीं खो गई, पत्नी खो गई तो वो पोस्ट ऑफिस में गया और पोस्ट ऑफिस के जो बड़े
ऑफिसर थे उनके पास गया और कहा कि जी सर मेरी पत्नी खो गई है, कुछ कीजिए। तो पोस्टमास्टर हंसा और उसने कहा कि आपने बाहर बोर्ड वोर्ड नहीं देखा, आप गलत जगह आ गए, आपको इसके लिए पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। तो उसने कहा कि 5 साल पहले भी खो गई थी और मैं पुलिस स्टेशन गया था, वो ढूंढ के ले आए। तो आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता पर कुछ करते दिखना चाहता है कि भाई ढूंढ तो रहा हूं, तो पोस्ट ऑफिस आ गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करते हैं, अरे पत्नी के साथ आप ऐसा सोचते हैं, जाइए पुलिस स्टेशन, चलिए मैं चलता हूं, मेरा परिचय है पुलिस ऑफिसर से। उनका नहीं नहीं आप बैठिए, मैं जाता हूं, जाता हूं। तो वो आपकी भी पुलिस स्टेशन नहीं गया और वहां पहुंच गया इनकम टैक्स ऑफिस, वहां पहुंच गया, वहां भी उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन जाइए। तो उसने कहा कि देखिए जी बस आप एक रिसिट मुझे दे दीजिए कि मैं आया था और मैंने आपके यहां पत्नी के गुम होने की रिपोर्ट की थी। उनका हमारी रिसिट का क्या करोगे? बोले बस रिश्तेदारों को और सबको ये देखना चाहिए कि मैं बहुत भागदौड़ कर रहा हूं, लेकिन चाहता नहीं वो सचमुच की पत्नी मिल जाए वापस। तो जिनका उन संकटों से स्वार्थ बंध गया है वो उनको दूर करते हुए दिखेंगे, बाकी मच्छर रहेंगे मलेरिया नहीं, ये नारा था 35 साल पहले, फिर मच्छर भी रहे और मलेरिया भी रहा। तो अब आप उनके साथ यूज्ड टू हो गए, है ना। संकट का फिर एक प्रतिकार ये होता है कि जब पहले पहले बीमारी होती है ना, पता लगता है डायबिटीज हो गई, तो आदमी छटपटाता, परेशान होता है कैसे हो गई, अरे देखो, अफसोस करता है। फिर उसके बाद दवाइयां खाता है, डॉक्टर जो कहता है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, रोज 6 किलोमीटर घूमना और ये वो सब करता है तत्परता से, और 2-4 साल बाद यूज टू हो जाता है, उसका आदी हो जाता है, उसके साथ जीना सीख लेता है और वो जो संकट है दुख है फिर वो उतना बड़ा संकट नहीं रहता है ना जी, साइकोलॉजी ठीक। ऐसे ही अब आप धीरे धीरे आतंकवाद, गरीबी, भ्रष्टाचार आदि आदि सबके यूज टू होते जाइए, और फिर संकट का असली समाधान फिर बाद में यही होता है, या तो प्रिकॉशन लो या उसको दूर करो, प्रतिकार करो, लड़ो उससे, और नहीं तो यूज टू हो जाओ। और क्या करोगे, जीना तो है, अस्तित्व तो समाप्त होगा नहीं, तो आप क्या करें। अब से 1 शताब्दी पहले बस ये बात कहकर समाप्त करता हूं, योगी श्री अरविंद ने कहा था कि आने वाले समय में इस देश के बहुसंख्यक समाज को किसी एक लॉबी के साथ जुड़ना पड़ेगा अपना अस्तित्व बचाने के लिए, नहीं तो हिंदू के सामने, भारतीय समाज के सामने अस्तित्व का संकट होगा। अस्तित्व का संकट, सबसे बड़ा संकट तो अस्तित्व का संकट है ना, बाकी संकटों पर तो बाद में देखा जाए। योगी श्री अरविंद ये भविष्यवाणी किसी ज्योतिष वगैरह की वजह से नहीं कर रहे थे, वो दूर तक देखकर परिस्थितियों का आकलन करके कर रहे थे। योगी श्री अरविंद ने कहा था कि आने वाले समय में हिंदू समाज को, भारतीय भारत के बहुसंख्यक समाज को अपना अस्तित्व बचाने के लिए 3 में से किसी एक लॉबी के साथ जुड़ना पड़ेगा। परिस्थितियां उसे बाध्य करेंगी कि या तो आप क्रिश्चियन लॉबी के साथ जुड़ जाएं, या इस्लामिक लॉबी के साथ जुड़ जाएं, या कम्युनिस्ट लॉबी के साथ जुड़ जाएं, 3 ही विकल्प होंगे, और आज वो परिस्थिति आपके सामने है। अगर आप अमेरिका के साथ जुड़ते हैं, क्रिश्चियन लॉबी के साथ जुड़ने का मतलब अमेरिका के खेमे में पूरी तरह जुड़ जाना, जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं तब आप एक शक्ति बनते हैं, फिर चाइना अरुणाचल को दक्षिण तिब्बत कहने का साहस नहीं करेगा। अभी तो वो कह रहा है, अभी तो वो अपनी वेबसाइट पर खुलेआम घोषणा कर रहा है कि अगले 30 वर्षों में हम हिंदुस्तान को 25 टुकड़ों में बटा हुआ देखेंगे। कर लो आप क्या करते हो, और करें नेता क्या करेंगे, चिंता भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, जितना बचा खुचा बचेगा उसके तो राजा रहेंगे ना, उन्हें क्या चिंता करने की जरूरत है, आप करो तो करो। तो या तो अमेरिका की लॉबी से जुड़े, क्रिश्चियन लॉबी से, तो आप शक्तिशाली होते हैं और संकट दूर हो जाएंगे, फिर अमेरिका आपके आतंकवाद में उतनी ही दिलचस्पी लेगा समाप्त करने में जितना आपने लिए ली। 9/11 के बाद वहां आतंकवादी घटना हुई है कोई? उन्होंने डिसास्टर मैनेजमेंट किया है, आपने तो किया नहीं, रोते रहिए। तब से लेके अब तक 90 बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं। या फिर आप इस्लामिक लॉबी के साथ जुड़ जाओ, और जुड़ना पड़ेगा एक साथ, ये नहीं कि थोड़े उधर फिर वैसे ही बंटे रहे, एक साथ, या तो एक साथ क्रिश्चियन लॉबी के साथ हो जाओ या एक साथ इस्लामिक लॉबी के साथ हो जाओ।
इस्लामिक लॉबी के साथ या क्रिश्चियन लॉबी के साथ होने का मतलब यह है कि आपको सामूहिक रूप से क्रिश्चियनिटी या इस्लाम स्वीकार करना होगा। आप इस्लामिक लॉबी के साथ जुड़ते हैं तो फिर आप शक्तिशाली होते हैं, पूरा सऊदी सारा सब ये पूरी बेल्ट आप शक्तिशाली होते हैं, और फिर ना अमेरिका आपकी बाह मरोड़ेगा ना चाइना आपको आंखें दिखाएगा। ये पसंद नहीं है तो कम्युनिस्ट लॉबी के साथ जुड़ जाओ। चाइना और भारत अगर जुड़ जाते हैं तो वो भी एक शक्ति बनते हैं, फिर ना इस्लाम की ताकत है ना अमेरिका की। क्या पसंद है आपको? अरे कोई तो विकल्प चुन लो, अरविंद तो यही कहते हैं, चुन लीजिए। अस्तित्व का संकट है, याद रखिए, आज नहीं तो कल आपको चुनाव करना पड़ेगा और समय ज्यादा नहीं है। आपको ये तीनों विकल्प पसंद नहीं है तो एक विकल्प और है, वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप क्रिश्चियन नहीं होना चाहते सामूहिक रूप से, अगर आप इस्लाम को नहीं अपनाना चाहते सामूहिक रूप से, अगर आप कम्युनिस्ट नहीं होना चाहते सामूहिक रूप से, तब आपको एक ही विकल्प बचता है कि आप ठीक से हिंदू हो जाएं, जो आप अभी नहीं हैं। ठीक तरह से हिंदू होने का अर्थ है कि आपको वेद की बात, ऋषियों की बात स्वीकार करनी चाहिए और अपने अंदरूनी संकट को दूर कीजिए, अपने समन्वय की कमी को दूर कीजिए। एक छोटा सा नेता नेता बनने के लिए उठता है और मराठी को बाकी सारी देश की अस्मिता से अलग करने की कोशिश करता है, सफल हो जाता है और सारा देश देखता रहता है, कोई उसके खिलाफ कुछ करने में असमर्थ लाचार। यही स्थितियां बनी रहेंगी। ठीक से हिंदू हो जाओ, जातीयता और प्रांतीयता के भेदभावों को समाप्त करके आपको एक किसी अपने रूट से, जो मैं आप कल आपसे बोलता था, आपकी संस्कृति और धर्म में, जो आपके अतीत के गौरव बोध में जो आपके रूट्स आपकी जड़ें हैं, उनके साथ आपको फिर से पूरी सक्रियता के साथ जुड़ना पड़ेगा और अपनी नई पीढ़ी को जोड़ना पड़ेगा। अगर ये विकल्प भी आपको पसंद नहीं है तो एक पांचवा विकल्प और है और वो बड़ा सरल है, बता दूं। वो पांचवा विकल्प यह है कि अगर आप न सामूहिक रूप से इस्लामिक अपने होने को तैयार हैं, न क्रिश्चियन होने को तैयार हैं, न कम्युनिस्ट होने को तैयार हैं, और न सुधरने को, न ठीक से हिंदू होने को तैयार हैं, तब फिर एक तरीका बचता है कि फिर आप एक साथ समुद्र में डूब कर मर जाएं। जो चाहिए, परमेश्वर ने कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा हुआ है, वो जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर उनके सामूहिक पुरुषार्थ, परिश्रम, कर्म, संगठित कर्म आपसे ज्यादा होंगे तो विजय उनकी होगी। ये मत भूलना कि तुम उस विचारधारा से जुड़े हुए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को न्याय करना होता है, ये उसकी मजबूरी मान लो, वो न्यायकारी है, और उसे कर्म का, पुरुषार्थ का फल देना होगा। अगर बुरे लोगों के कर्म संगठित हैं और वो अधिक हैं तो वो जीतेंगे। इसलिए इस दुनिया के संकटों के मूल में बुरे आदमी की बुराई इतना बड़ा कारण नहीं है जितने अच्छे आदमियों का संगठित न होना और सामाजिक हितों से अपने को निरपेक्ष कर लेना है। इसलिए ऋषि दयानंद ने एक अच्छे समाज का जो नियम निर्धारित किए हैं, उनमें से एक यह है कि जिस समाज में सब लोग, प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन्नति को बाद में सबकी उन्नति को पहले रखता है, अपनी उन्नति को राष्ट्र की, समाज की, सबकी उन्नति के साथ जोड़कर चलता है, वो समाज एक स्वस्थ समाज है। वो समाज ही शक्तिशाली समाज होता है, वही समृद्ध होता है, वही सुखी होता है। इसलिए अपने निजी संकटों का पहले से इलाज करके रखें, और जो राष्ट्रीय संकट जो आ रहे हैं, आने वाले हैं, उनको सोचें। और इस देश का जो बुद्धिजीवी है और जो जिनके पास किसी भी तरह की शक्ति है, बुद्धि की, ज्ञान की, विचार की, धन की, पद की, अधिकार की, शक्ति की, उसका थोड़ा सा प्रतिशत भी अगर जुड़ जाएगा ना, यूनाइटेड हो जाएगा, उसी दिन इस देश के संकटों के सब समाधान निकलते आएंगे। लेकिन जो लोग सोए रहते हैं ना, और जो यूज टू हो जाते हैं उन संकटों के, उन कष्टों के, फिर उन पर सारी सलाहें बेअसर रहती हैं। फिर वो पोस्ट ऑफिस जाएंगे या इनकम टैक्स ऑफिस जाएंगे, प्रॉपर जगह नहीं जाएंगे। तो बस एक छोटी बात, एक नेत्रदान शिविर चल रहा था कि आपकी आंखें आपके बाद भी किसी को ज्योति देने में समर्थ हैं, अगर समय पर उनको निकाल लिया जाए तो मृत्यु तो हो ही गई, लेकिन उसके कुछ मिनट के अंदर निकाल ली जाए तो दूसरे को प्रत्यारोपित हो जाती हैं, और जिसकी आंखें नहीं है उसको आंखें मिल जाती हैं। तो फार्म पर हस्ताक्षर कर दीजिए,
एड्रेस वगैरह बता दीजिए, नंबर टेलीफोन नंबर वगैरह, जब ऐसी स्थिति हो तो आपके पास आकर के चिकित्सक आंखों को निकाल लें, तो अपने नेत्रदान कर दीजिए। तो वो नेत्रदान शिविर कहीं लगाया हुआ था किसी समाज सेवी संस्था ने, तो सब लोग उस फॉर्म पर हस्ताक्षर कर रहे थे। वहां एक शराबी भी पहुंच गया, उसने पूछा यहां क्या हो रहा है, जहां भीड़ इकट्ठी होती है सबकी क्यूरियोसिटी जागती है, यहां बात क्या है। तो पता चला कि सब अपने अपने नेत्र दे रहे हैं, भविष्य में जब कभी आप नहीं होंगे दुनिया में तो भी आपकी आंखें देखती रहेंगी किसी की, दूसरे के चेहरे पर लग करके, तो ये बड़ा पुण्य का काम है। तो शराबी ने सोचा सारी जिंदगी ऐसे ही बीत गई, चलो एक चलते चलते एक पुण्य तो कर लूं। तो उसने कहा कि लाओ मेरे को भी फार्म दो। तो छोटा शहर था, लोग सब उसे जानते थे कि ये दिन रात नशे में धुत रहता है। तो लोग बड़े खुश हुए और आयोजकों ने फार्म पर उसके हस्ताक्षर करवाए। फिर सबका धन्यवाद किया गया। आयोजकों में से किसी एक को पता नहीं क्या ख्याल आया, उसने कहा कि आप, उस शराबी से कहा, आप इस मौके पर कुछ कहना चाहते हैं क्या? उन्हें लगा कि और लोगों को और प्रेरणा मिलेगी, एक शराबी ने भी नेत्रदान किया, कितना अच्छा काम। तो उसने कहा हाँ मैं जरूर कुछ कहना चाहता हूँ। तो बोलने के लिए खड़ा हुआ और उसने कहा कि देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे बाद में जिसको भी ये मेरी आंखें लगाई जाएं उसे ये बता दिया जाए कि ये आंखें दो पैग पीने के बाद ही खुलती हैं और थोड़ी देर बाद फिर बंद हो जाती हैं। तो किया किया जाए, कितने लोग आते हैं जगाने के लिए, इस समाज को जगाते हैं, थोड़ी देर के लिए स्फुरना आती है, थोड़ी देर के लिए स्फुरना आती है और जगाने वाले लोग फिर एक तरफ हट जाते हैं। आजादी के आंदोलन में इस देश की जो क्रीम थी 19वीं शताब्दी महापुरुषों से भरी हुई है, 18वीं शताब्दी हम सूनी देखते हैं शून्य। 19वीं शताब्दी में एक से एक धुरंधर, एक से एक महारथी, एक से एक विद्वान, एक से एक तपस्वी, एक से एक देश और समाज के लिए मर मिटने का हौसला रखने वाला लाइन है। सबके नाम भी याद नहीं रख सकते आप, कितने लोग हैं। और 20वीं शताब्दी, आजादी मिलते ही जो अच्छे लोग जो आजादी की लड़ाई में जुड़े हुए थे उनमें से कुछ अलग हो गए, कुछ समाप्त हो गए, कुछ अलग कर दिए गए, बाकी ने समझा कि अब क्या करना, आजादी तो मिली गई और फिर देश तो जैसे चल रहा है चलता रहेगा। नहीं, ऐसा मत होने दीजिए। नियंत्रण अच्छे लोगों को संगठित रूप से समाज का, राष्ट्र के संचालन का हाथ में लेना पड़ेगा। अच्छी भावनाओं के विस्तार में जितना हो सकता है उतना प्रयास कीजिए और दुर्भावनाओं के विस्तार में राष्ट्र को क्षति पहुंचाने वाले जो विचार हैं, जो लोग सक्रिय हैं चुपके चुपके, उनकी पहचान होनी चाहिए। अपने शत्रुओं को, दुश्मनों को ठीक से पहचानें, उनको समाप्त करें। वायरस पता ही नहीं चलेगा तो इलाज कैसे खोजोगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज मैं सोच रहा था कि मैं ठीक 8:30 बजे समाप्त कर दूं अपना वक्तव्य, लेकिन 8 बजे तो माइक मिला, बोलने बैठ रहा था, सोचता था फिर भी 8:30 बजे बोल दूंगा, तो वो समाप्त कर दूंगा। फिर मुझे याद आ गया कि कल तो रविवार है, कल रविवार है ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा अधिक वक्त ले लिया। मैं अधिक नहीं लिया है, लिया तो एक वही 1 घंटा 10 मिनट ही है, लेकिन इतनी देर में मैंने जो बातें आपसे कही हैं अगर आपके हृदय को, आपकी आत्मा को, आपकी चेतना को उद्वेलित करती हैं, अपने निजी संकटों के समाधान ढूंढते रहें, उनसे बचे रहें और संकट जो भी आएगा इस जीवन पर, शरीर पर, कुछ ऐसे हैं जो आएंगे, क्या है उनसे उनकी चिंता नहीं होती, जैसे वृद्धावस्था, जैसे मृत्यु, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि समय हमारे लिए गोल दायरे में घूम रहा है। जैसे मैंने कल आपसे कहा था, समय को सीधी लाइन में भी चलाइए और गोल लाइन में भी चलाइए, बहुत सारे संकट तो इस फार्मूले से दूर हो जाएंगे। और ऋषियों की इस बात को स्मरण रखें, हे अम दुखम अनागतम, जीवन पर, परिवार पर, बिजनेस पर, राष्ट्र पर, समाज पर, जो भी भविष्य में संकट आ सकते हैं उनकी संभावना पहले से सोच करके उसके उपाय रखने चाहिए। जब आप मकान बनाते हैं तो क्या आप ये इच्छा करते हैं कि इसमें कभी आग लगे? ईश्वर करे कभी आग ना लगे, लेकिन उस संभावना को सोचते हुए आप आग बुझाने वाली गैस का एक सिलेंडर रखते हैं कि नहीं? कितनी अजीब बात है कि वो व्यक्ति कितना विचित्र है जो आग लगाने वाली गैस का इतना बड़ा सिलेंडर रखे हुए है घर में, किचन में, और आग बुझाने वाली गैस का इतना सा सिलेंडर रखते हुए, उनको लगता है कि ये तो अतिरिक्त खर्च है। तो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हम उतना सा भी करने को उद्यत नहीं होंगे तो
तो राष्ट्रीय संकट एक दिन हमारा निजी संकट बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जब वो संकट गहरा होता है तो फिर वो उसका उसका तीसरे का नहीं रहता, आपका अपना होता है। इसलिए उन संभावनाओं पर पहले से सोचें, और समाज के बुद्धिजीवी लोग, धनवान लोग, ऐश्वर्यशाली लोग जब अपना अपनी अच्छाइयों को एकत्र कर देंगे, निश्चित रूप से ये राष्ट्र अपने पुराने गौरव को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगा। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं।